बच्चों के सवाल कभी कभी बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं। जैसे उस दिन क्लास में एक बच्चा पूछ रहा था कि जब हम नाखून या बाल काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता। क्या आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ आश्चर्यजनक से सवाल आते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज माइंडफुलनेस के एपिसोड 30 में लेट्स पॉज टुगेदर टू टॉक अबाउट क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा, उत्सुकता। तो क्या है ये उत्सुकता? लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, शायद उनकी कोई जिज्ञासा का हल मिल जाए या वो जिज्ञासु ही बन जाए। तो बचपन में एक मुहावरा सुना था, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, लेकिन आज ये नहीं होता, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि मेरे में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, आई एम अ लिटिल मोर क्यूरियस, अर्थात मुझ में थोड़ी सी जिज्ञासा ज्यादा है, कोई टैलेंट एक्स्ट्रा नहीं है। और ये कोलंबस की जिज्ञासा का ही नतीजा था कि अमेरिका डिस्कवर हुआ। तो अपनी बात करूं तो एक बात मैं ये भी बता दूं कि मैं भी बहुत जिज्ञासु हूं, नई नई चीजें करना, नए नए ऐप्स के अंदर ढूंढना, नई नई चीजें निकालना, उसके बारे में जानना, ये सब की जिज्ञासा मुझे भी रहती है। तो जोक्स अपार्ट, आपसे ये बताना इम्पोर्टेंट है कि क्यूरियोसिटी से हमारा ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। उत्सुक रहने से ही आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट अच्छी रहती है। लेकिन आइए जानते हैं कि और क्या लाभ है उत्सुक रहने के। तो उत्सुक रहने से अपने बारे में, लोगों के बारे में उत्सुक रहने से हम नए रिश्ते बना सकते हैं और इससे हमारा नजरिया भी बदलता है, दूसरों को देखने का, अपने आप को भी देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है। और दूसरा लाभ है कि जब हम उत्सुक रहते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा हील कर पाते हैं, अंदर से ठीक कर पाते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को पहचानते हैं, आपके अंदर जो दर्द है, फिजिकल पेन भी, जब आप उत्सुक रहते हैं कि ये दर्द क्यों हो रहा है, तो भी आप उसको जल्दी से जल्दी उसका इलाज कर सकते हैं। तो उत्सुकता खाली लोगों के बारे में, उनकी जिंदगी बारे में ढूंढने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उत्सुकता का बहुत गहरा संबंध हमारी हीलिंग से भी है, हमारी ग्रोथ से भी है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये उत्सुकता जगाए कैसे, क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी हो रही है, किसके पास टाइम है कि ये सब बारे में सोचे, हर समय बस भागदौड़ लगी रहती है। तो सबसे पहले तो ये इच्छा ही होनी चाहिए कि मुझे ये पता लगाना है कि ये क्यों हो रहा है। आपका जो सीआईडी वाला दिमाग है वो चलना चाहिए, उसी को बोलते हैं उत्सुकता। फिर आपके अंदर थोड़ा सा साहस भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो चीजें बाहर निकलेंगी वो हमेशा आपके मन की नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको बहुत दिनों से कोई चीज परेशान कर रही है, कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत परेशान करे, घर में है या ऑफिस में है, बच्चों के साथ है, तो लेकिन जब आप उसको गहराई से देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि जो मेरा गुस्सा है उसकी वजह से ये जो सिचुएशन है ये हर समय बन जाती है। तो जब आपने गहराई से देखा तो आपको पता चला कि आपका गुस्सा ही जिम्मेदार है, नहीं तो आप क्या सोच रहे थे, किसी और के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे। लेकिन क्यूरियोसिटी होने से, उत्सुकता होने से आपको ये समाधान मिल गया और आपने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लिया, उसको थोड़ा चैनलाइज कर दिया। तो जिज्ञासा के तीन पहलू भी हो सकते हैं, जैसे हमने बोला गहराई में जाके देखना, तो पहला पहलू यही है कि आप उसको गहराई में जाके देखें कि उसके पीछे और क्या है और नीचे नीचे क्या है। दूसरा पहलू है व्यापक रूप से देखें, लुक वाइडर, कि उसके आसपास किस चीज का असर हो रहा है। तो व्हेन यू लुक वाइडर यू आर एबल टू गेट द आंसर्स टू योर क्यूरियोसिटी। और तीसरा पहलू है कि बार बार देखें, क्योंकि कभी कभी जो आपको पहली बार दिखता है वो सही नहीं होता,
तो उसको बार बार देखने से, लुक अगेन, बार बार जब आप देखते हैं किसी चीज को, आपको उसका जो समाधान है वो जल्दी निकल के आ जाता है। तो ये तीन पहलू हैं जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार जब आपके अंदर उत्सुकता होती है तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, न्यू न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जोश रहता है और हमारे अंदर स्फूर्ति रहती है और हम खुश भी रहते हैं। तो जो बात हमने पहले कही थी कि जो मुहावरा था कि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, सो द क्यूरियोसिटी मे किल द कैट बट इट इज हेल्पिंग द ह्यूमंस। जो इंसान है उसकी मदद होती है अगर वो क्यूरियस हो। तो दोस्तों, खुश रहिए और अपने अंदर एक उम्मीद बना के रखिए। नमस्कार।